सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मैं अंजू देवी ओटोला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खूबसूरत शहर मुंबई से। टाइम हो रहा है सुबह का 9 बज रहा है। मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह से हो जाती है लेकिन ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। और मौसम का हाल बोले तो अभी हल्की हल्की धूप लगी है, ठंडी है। मेरे हौलिया तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने स्वेटर भी पहनी है और सिर में दुपट्टा भी बांधा है क्योंकि ठंडी हो रही है। अभी यहाँ पे धूप लग रही है तो मेरी आँखें बंद हो रही है, आगे को देखने को नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ब्लॉग की शुरुआत में इधर से कर लेती हूँ तो थोड़ा ठंडी ठंडी भी है, थोड़ा नहीं है, ज़्यादा ही है सुबह के टाइम पर। मेरे लिए तो ज़्यादा ही है क्योंकि बदन दुख रही, कमर दुख रही और फॉग लगा, देखो तो ना कितना फॉग लगा है, सुबह का टाइम है अभी। तो चलो मिलती हूँ घर पर। और मैं घर पे आते आते मेरे को 9:15 हो गया तो फटाफट मैंने आज क्या किया, मेथी की रोटी बनाई और दलिया बनाया, चटनी बनाई, चाय भी बनाई। तो फटाफट मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, उसके बाद कपड़े सूखे कपड़े थे उनको बिटोल बटोल के आज संभाल दिया कबाड़ पे। मैंने अभी टाइम में थोड़ा बैठना है ही नहीं, टाइम भी नहीं है, लेकिन जो टाइम भी है 5-10 मिनट उसमें भी नहीं बैठना। मैंने बोला उनको संभाल देती हूँ। जो धुले कपड़े थे उनको भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिया, बर्तन वर्तन धो दिया। फिर मेरा वही टाइम अपना डेली का वही रूटीन है। तो जाती हूँ मैं अपनी ड्यूटी पर गुड़िया को लेने, उसने बोला मेरे को लेने आना है, जगदीश चला गया कॉलेज, वो लेके चला गया। गाड़ी को मेरे को पैदल ही जाना होगा कि वॉक भी नहीं हो रहा आजकल, वॉकिंग भी नहीं हो रही बहुत टाइम से। तो मैंने बोला थोड़ा मेरी वॉकिंग भी हो जाए, सुबह के टाइम भी नहीं मिलता है, टाइम के शाम भी नहीं मिलता मेरे को जाने के लिए बाहर। तो इसलिए मैंने थोड़ा गुड़िया को भी लेने जाती, थोड़ा जो खाना खाया अभी थोड़ा पच जाता है, चलो बाहर जाते। अभी मैंने स्वेटर भी निकाल देखी हुई, थोड़ा सा गर्मी होने बैठी है। एक गर्म ड्रेस है, गर्म ड्रेस मैंने बोला अभी रहने देती हूँ, बाद में देखिएगी दोपहर को। तो गुड़िया को मैंने बोला था आज भी मत जाए स्कूल क्योंकि आज खाली क्रिसमस की पार्टी है। तो लेकिन बोल रही कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मेरे को स्कूल जाना है, तो उसको लेके आती हूँ पहले। पर वो इसका भी आज जल्दी होगा छुट्टी, 10:30-11 तक उसका भी छुट्टी होगा, होगा क्या हो गया होगा। तब उसके लिए मैंने रोटी बना के रखी, चाय बना के और दलिया बना के रखा। मेरे से पहले वो घर में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तब बाद नहीं देगी उसको नाश्ता। गुड़िया के लिए भी मैंने टिफिन बना के रखा, मैंने बाहर का भी क्या देना है, उसके लिए मैंने मेथी के रोटी बना के रखी, यानी मेथी के पराठे उसके लिए स्कूल के रखे ले उसके लिए रखे हैं और चटनी रखी है। तो घर में आके भी खाई क्या, मतलब सुबह उसने डोसा खाया था। चलो चलते हैं बाहर क्योंकि मेरे को फटाफट जाना है कि वो बोल रहे आधा रास्ता से बोलती बोल रही थी पहले तो यहीं तक आवल उतना उधर तक तो मैं नहीं जा सकती, इतनी मेरी बस की बात नहीं कि इतना भाग उतना भाग भी नहीं, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। चलो चलते हैं बाहर, मैंने रे वीडियो में ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट करो दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो बनाती हूँ मैं, ऐसे भी नहीं, वो गलत सलत कुछ नहीं, अपनी जर्नी दिखाती सुबह से शाम तक मेरा काम क्या होता है बस वही दिखाती हूँ। पसंद आएगा तो भी लाइक करना, नहीं भी आएगा तो पसंद करना। तो चलो बने रहे वीडियो। मौसम का हाल बोल तो बहुत अच्छा है, अभी चमचमाती धूप लगी है लेकिन ठंडी है ना तो मालूम नहीं पड़ रहा है, मतलब ठंडी है तो धूप लग रही तो अच्छा लग रहा है, धूप लग के थोड़ा सेक लग रहा है तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडी शुरू हो गई है। तो खाना बन गया दोस्तों, तो चलो खाना खाते हैं, चलो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। शाम का 5:15 हो गया, मैं आगे अपने प्यारे से किचन में बना रही हूँ चाय और आज बना रही हूँ मैं राई का साग। तो मैंने एक चूल्हे में रख लिया राई, तो ये है राई, तो आज मैं राई का साग बनाने में कम से कम 6-8 साल में बना रही हूँ मैं राई का साग। राई का भाजी तो मैं हमेशा बनाती हूँ, मतलब हमेशा का मतलब मेरे हर सीजन में बनाती हूँ मैं राई की सब्ज़ी, लेकिन आज राई का साग बनेगा जैसे पालक पनीर बनता है। जब कुली बारा में थी तभी बनाया था मैंने, लेकिन आज बनाई है बहुत टाइम के बाद, मेरे को बहुत मन कर रहा था खाने का लेकिन आज फाइनली बनाएगी मैं राई का साग। शाम का बज चुका है 6, बच्चे ट्यूशन वाले भी आ गए, क्लासेस वाले भी आ गए, जिम वाला भी आ गया है। तो मैं अभी इनके लिए बना रही हूँ पराठे क्योंकि सुबह मेथी के पराठे बनाए तो आटा पूरा बचा था। एक बोल रहे ब्रेड बनाए तो ब्रेड अच्छे ब्रेड से अच्छा है, चाय बनाए इनके लिए मिल्क शेक बनाया जिसको मिल्क शेक बनाना है। दोपहर को भात बनाया था तो उन्होंने भात भी नहीं खाया, उसको भी अभी इधर जीरा राइस बनाया और जगदीश को दे दिया कि बताना भूल गई। अभी बना रही हूँ मेथी और आलू की पराठी बना रही हूँ, मेथी की रोटी है उसके अंदर आलू डाल के आलू की पराठी बना रही हूँ। मैंने अभी खा लो जिसको खाना है, रात को मत खाना लेकिन अभी खा लेना। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे, क्योंकि आज दिन भर के लिए बन नहीं पाएगी, गुड़िया के पास है मोबाइल
वो अपना होमवर्क कर रही थी क्योंकि स्कूल से भी बहुत ज़्यादा होमवर्क आया था, क्योंकि कल डेकोरेट था क्रिसमस का, तो आज पार्टी थी। दो दिन पढ़ाई नहीं हुई तो टीचर ने बहुत सारा काम दिया, तो उसने बोला मम्मी मेरे को मोबाइल दे, तुम्हारा काम करो। तो ये है मेरा पराठा, दो परवेश ने खाया, एक जगदीश ने खाया, एक खुशी ने खाया, फिर दूसरी खुशी के लिए दूसरा पराठा बन रहे हैं। इसमें मेथी नहीं है, इसमें खाली आलू है अंदर, यानी कि आलू के पराठे में घी में पक रहे हैं। तो हम तेल में नहीं बनाते हैं पराठे, हम घी में बनाते हैं। तो इसको अच्छे से सेक लेते हैं, घी में अच्छे से सेक जाएगा। तो ये हो गया पराठा तैयार, बस ये देखो अच्छे से बन गया पराठा। आप देती हूँ गुड़िया को ही पराठा, पूरा एक दिन लग जाता है, क्या खोलना है। हो गया ये वाला, हो गया ये वाला, हो गया। चलो ये भी हो गया ब्रेड, एक ब्रेड भी दे देती हूँ उनको। धुआं धुआं ज़्यादा हो गया है, पर इसको कल ब्रेड भी खाना होगा, तो बोलता कि मेरे लिए ब्रेड बना, क्योंकि बच्चे रात को तो खाएंगे नहीं, रात को तो बच्चे खाएंगे नहीं, बातें नहीं करती, वैसे काम भी करती हूँ। इधर ये जल गया है तवा, क्योंकि बहुत गर्म है तवा, इससे थोड़ा बटर लगाना है ऐसे करके। अभी रात को नहीं खाएंगे, हमेशा ऐसे शाम को खाते हैं, 6 बजे के टाइम पर, 6:30 से 7:45 तक खाना, क्योंकि इसको ट्यूशन से आने के बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद रात को नहीं खाते खाते। चलो दोस्तों, अब मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही साबुन लगा के रख दिया है, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों ने नाश्ता कर दिया है, क्योंकि बर्तन दोपहर के बर्तन में, क्योंकि दोपहर को बच्चों ने भात नहीं खाया था, भात डाल के भी हैं, अभी मिल्क शेक बनाए, चाय बनाए, पराठे बनाए, आपको पता है बर्तन कितने ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कोई इशू नहीं, क्योंकि पानी 2400 घंटा आ रहा है, अब कोई इशू नहीं है। तो फटाफट बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मेरे को कपड़े भी ढूंढने, क्योंकि सूखे कपड़े भी रस्सी से निकालें, उनको भी संभालने हैं। उसके बाद मेरे को फिर 7 बजे फिर से किचन में आना, क्योंकि हमारा 8 बजे तक खाना हो जाता है। तो मैं फटाफट ये काम करती हूँ, उसके बाद कपड़ों को संभाल के। दोस्तों एक बात और, मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा ही आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा, भगवान की कृपा होगी तो एक दिन मेरे पास ज़रूर माइक आएगा, तब साफ आवाज़ आ जाएगी। साफ आवाज़ अभी भी है, लेकिन बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती है, जैसे मैंने पंखा ऑन किया है ना, तो उसकी आवाज़ आती है। लेकिन क्या करो, अगर पंखा ऑन नहीं करो ना, तो गर्म हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो पंखा ऑन करना पड़ता है मेरे को। तो चलो मेरे बर्तन वर्तन हो गए, तो अब जाती हूँ मैं कपड़े भी ढोने के लिए, क्योंकि इधर मैंने गैस चौकास भी साफ किया, बर्तन वर्तन धो लिए, बस मेरा काम हो गया। तो चलो मिलते हैं। तो दोस्तों ये बन गया मेरा सरसों का साग, और अब बनाती हूँ मैं रोटी। तो यहाँ पर मैंने आटा रखा है। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया हमने, बर्तन वर्तन धो दिया, वीडियो को इधर एंड करती हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे अपने अपने घरों में।